आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में लोग दूर दराज से स्नान करने और जल भरने आते हैं, लेकिन कुछ गंदे लोग समाज को गंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आपको बता दें कि बैरागी कैंप के पास हाईवे पर जाते हुए जो घाट पर सुलभ शौचालय है, सुलभ शौचालय की आड़ में नशे का व्यापार रोहित महेंद्र नाम के दो माफिया काम करते हैं। यही नहीं, शराब शबाब का पूरा इंतजाम रखते हैं। जहाँ एक तरफ पुलिस अपने काम में व्यस्त होती है, इनका काम जोर पकड़ लेता है। आपको बता दें कि यात्रियों को रोकने से लेकर शराब के साथ शबाब भी परोसा जाता है। बताते चले कि रोहित का कहना है कि हम ऊपर तक जाते हैं, इसलिए खबर का कुछ नहीं होगा। वही अधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि शराब और किसी भी तरह का नशा बेचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखा जाए तो युवा पीढ़ी को बिगड़ने में बहुत सारे महेंद्र और रोहित जैसे हरिद्वार में हैं। देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार नशा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग दो स्टेज में इसको कर रहे हैं। एक तो जो नशा ले रहे हैं और जो एक नशा बेच रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार भी सख्त है और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सख्त है। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और जो नशा के गिरफ्त में आ गए हैं वो एक तरह से विक्टिम हैं, तो उनको बुला के उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। उनके पेरेंट्स के साथ उनको बुलाया जा रहा है और उनको इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग नशा छोड़िए, आपको जो भी आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कार्य करेंगे उसमें जितना भी पुलिस का सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। और इस अभियान में हमारे साथ जो नशा छोड़ रखे हैं वो लोग जुड़ भी रहे हैं और जो नशा छोड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और उनके सहयोग से ही जो बेचने वाले हैं उन तक भी हम लोग पहुँचेंगे और इनको नशा छुड़ाने में हम लोग एक सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं।